गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड सेफ। ओके, तो आज हम ईवीएस पढ़ेंगे। आज का ईवीएस का चैप्टर है फैमिली। ओके, तो आज का ईवीएस का चैप्टर है फैमिली। तो आज हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो फैमिली का मीन्स क्या होता है? फैमिली का मीन्स होता है परिवार। आप जिस घर में रहते हो, सबके साथ मिलकर रहते हो, मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, आपका अंकल आंटी, जो सब आपके साथ रहते हैं, तो सबको मिला के, उनको सब मिलाकर एक जो जहाँ पर रहते हैं उसको हम फैमिली बोलते हैं। एक घर में सब जो रहते हैं उनको हम फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो फैमिली दो तरीके का होता है, जो कि स्मॉल फैमिली और एक है बिग फैमिली। ओके, स्मॉल फैमिली में कौन कौन रहते हैं, किसको स्मॉल फैमिली बोलते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, दिस इज मुलांस फैमिली। दिस इज मुलांस फैमिली। मुलांस फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली। ओके, दिस इज मुलांस फैमिली। मुलांस फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली। लेट्स लर्न अबाउट ए स्मॉल फैमिली। तो चलो हम स्मॉल फैमिली के बारे में कुछ पढ़ेंगे। A small family has four or five members in Mulan's family. There is a grandmother, mother, father, daughter. Okay? तो Mulan's family में कौन कौन कितने member रहता है? Four या five member. Okay? तो Mulan family में तीन और चार लोग रहते हैं, जिनको कि हम small family बोलते हैं. Okay? तो small family रहे, स्मॉल फैमिली में जो जितने भी मेंबर है, जो तीन चार मेंबर को लेके जो फैमिली होता है उसको स्मॉल फैमिली बोलते हैं। तो जैसे कि मुलांस के घर में कौन कौन रहता है, उसका मम्मी रहता है, उसके पापा रहता है और उसका ग्रैंड मदर रहता है और वो खुद, तो इसीलिए उसको स्मॉल फैमिली बोलते हैं। चार मेंबर है तो इसको स्मॉल फैमिली इसीलिए बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा बिग फैमिली, मतलब बड़ा फैमिली। तो बड़ा फैमिली किसको बोलते हैं? जो फैमिली में मेंबर चार पांच से ज्यादा होते हैं उसको बिग फैमिली बोलते हैं। ठीक है, जिस घर में फैमिली मेंबर चार पांच से ज्यादा होते हैं उनको बिग फैमिली बोलते हैं। तो फैमिली, दिस इज मैरिड एज फैमिली। दिस इज मैरिड एज फैमिली। मैरिड एज फैमिली इज ए बिग फैमिली। लेट्स लर्न अबाउट ए बिग फैमिली। तो अब हम बिग फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। A family that has more than five members is called a big family. In married as family, there is a father, mother, sister and brothers. उसके तीन भाई है, ठीक है? तो उनका फैमिली में पांच मेंबर से भी ज्यादा मेंबर है, ठीक है? कौन कौन है उनके फैमिली में? उसके पापा है, उसका मम्मी है, वो खुद और उसका तीन भाई, मतलब तीन तीन छह लोग हैं। तो पांच से मैं बोली थी ना, पांच से ज्यादा जो जिस फैमिली में मेंबर हो गए उसको बिग फैमिली बोलते हैं। तो इसका घर में छह मेंबर है तो इसको क्या बोलते हैं? बिग फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो अब बताओ तुम्हारे घर में कितने मेंबर है? तुम्हारी फैमिली बिग फैमिली है या स्मॉल फैमिली है? ठीक है, तो आज हम वही फैमिली के बारे में पढ़े हैं। तो चलो देखते हैं उसका एक्टिविटी क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मैरिड एज फैमिली इज हैप्पी टू हैव एवरीवन अराउंड। फेस द पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेंबर। यहाँ पर तुम तुम्हारे फैमिली मेंबर के फोटो चिपकाओगी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर और सेल्फ। ये खुद का फोटो देखोगे, ये आपका ब्रदर एंड सिस्टर का, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ओके, तो नेक्स्ट है, मेरिडा ड्रॉ एंड पेंट व्हेन शी इज बोर्ड। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेंबर एंड कलर इट। ओके, यहाँ पर तुम तुम्हारे फैमिली मेंबर की पिक्चर ड्रॉ करोगे, वो उसको कलर करोगे। ठीक है, तो जिसके पास बुक है ये सब करोगे। ठीक है, तो उसका जो हार्डवर्ड है तो मैं उसको आपको फोटो में सेंड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।